शहर पे ज्यादा दबदबा रहता है, जैसे शहर पूरा पुकारा कि गुड्डा जी गुड्डा जी गुड्डा जी, पूरा शहर पूरा शहर दोनों दोनों गली गली में जाए ना, चक्कू वाले के पास जाए, बड़े पास जाए, पकौड़े वाले पास जाए, वो भी गुड्डो और देंगे गुड्डो, चक्कू वाले कपड़े वाले बर्तन। आदमी है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा व्यक्ति जाना भी चाहिए विधानसभा में। लेकिन नरेंद्र जी जो सांसद से जो चुनाव जीतने के बाद में ना माहौल बीजेपी का बना है, बीजेपी का बना है, अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल है। हम दोनों की बात कर रहा हूँ, वो सब लोग यही बोल रहे हैं कि हम गुड्डा को वोट देंगे, हमारे रिश्ते क्या, ये तो सभी की जबान पे छा गए हैं अब, गुड्डा 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 नस नस में छा गए हैं, गुड्डा जी नस नस में छा गए हैं सर जी। नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार सैनी, आप देख रहे हैं राज न्यूज केडल। आज हम पहुंचे हैं झुंझुनू जिले के इस्लामपुर गांव में। जैसा कि झुंझुनू में उपचुनाव है और आज भाजपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन है वो भर दिया है, और यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी अपना नामांकन भर दिया, और निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र सिंह गुड्डा ने भी अपना नामांकन भर दिया है। यह इस्लामपुर गाँव है जो लगभग यहाँ पे 6-7 हज़ार मतदाता रहते हैं। जानने की कोशिश करेंगे इस्लामपुर की जनता अब की बार किसकी ओर रहने वाली है, क्या चुनावी समीकरण है, सभी बातें जानने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि बात करें यहाँ से स्थानीय प्रत्याशी, यहाँ के जो सरपंच हैं इस्लामपुर के, वो भी आज़ाद पार्टी से चुनावी मैदान में है। जानने की कोशिश करेंगे आखिर चुनावी सरगर्मियाँ हैं किस ओर बढ़ने वाली है। यार ये बताओ आप तो कौन से गाँव के हो? मैं ये जरौली का हूँ। चिंचरौली के? हाँ। इस्लामपुर में कुल कितने मतदाता हैं, किस पार्टी का इधर दबदबा? मेरा गांव चिंचरौली है, इस्लामपुर का 1000 आदमी बैठे हैं, बोल रहे कोई सा नहीं। अच्छा अच्छा, ठाकरे साहब तो कौन सी पार्टी का दबदबा है? मैं बता बता जी, मेन पार्टी भाई है मालूम कौन सी? राजेंद्र गुड्डा बताई भाई, आई के अलावा और कोई ही, मैं तो दूसरा नाम ही नहीं लूं। कुछ दिन पहले आए जी मैदान में, कुछ दिन पहले आओ चाहे आज ही आए हो, शाम के आए हो लो। अच्छा अच्छा, मगर वो 100% जाएगा। फैन क्या होगा बागा थे बी, बी का फैन क्या होया किया नहीं होया बा, बाद में बताना चाहूंगा नहीं, बागरी का फैन है वो 100% जागो, कोई किस्मत 99.1% रह गया तो बात अलग है, बाकी 100% गुजरात वो राजू गुड़ा जाएगा विधानसभा में। उनकी क्या बताएं, उनका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, यहाँ जो लेकिन पंचायत है कितने मतदाता हैं? मैंने आपको बताया था कि वो प्रभु जाति वाला यहाँ पे समीकरण बैठता है, तो वो क्या है कि जिन जो प्रत्याशी है वो अच्छे प्रत्याशी है, राजेंद्र गुड्डा गरीबों के लिए मतलब आगे लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, लोगों के लिए जो भी काम होता है वो आगे रहते हैं। मैं नहीं कहता राजेंद्र गुड्डा अच्छा अच्छा व्यक्ति है, मतलब वो इससे इस चुनाव से पहले कौन सी पार्टी की तरफ झुकाव ज्यादा रहता है? ये कांग्रेस ज्यादा यहाँ पे, यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी है उनका भी दबदबा रहने वाला है। हाँ वो तो गांव के सरपंच हैं, 2 बार रह चुके हैं तो उनका तो दबदबा रहना ही है। लेकिन जो राजेंद्र गुड्डा है उनकी जो समीकरण जो बैठता है वो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा आदमी है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा व्यक्ति जाना भी चाहिए विधानसभा में। लेकिन वो जीत जाए ऐसा हम बोल नहीं सकते, हो सकता वो टक्कर देंगे या कोशिश करेंगे तो शायद वो जीत भी जाए। मैं नहीं कह सकता कि किसी भी प्रत्याशी के बारे में वो जीतेगा वो हारेगा, कि अपने पास से बताओ आप कौन सी पार्टी का। अब यहाँ पे तो पहले तो क्या था कि ज्यादातर कांग्रेस ही 300 या 400 वोट से लीड लेके जाती थी इस गाँव से, लेकिन बीजेपी अब पता नहीं अब की बार बीजेपी थोड़ी शायद टक्कर देगी, क्योंकि अब की बार जो कैंडिडेट अलग अलग हुए थे वो अभी एक हो गए, और शायद बीजेपी भी तो शायद बीजेपी भी फर्क पड़े। नमस्कार जी दुकानदार जी, ये समीकरण रहने वाले हैं अब की बार, अब की बार पता ही नहीं है राजेंद्र गुड्डा ने ऐसा क्या काम किया कि जिस कारण से वो इतना तेज आ रहा है, ये पूछना चाहता हूँ मैं, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये गांव वाले दादाजी एम बताओ जी, अठे कौन सी पार्टी को दबदबा रहते हो? पहले तो कांग्रेस का ही रहता साहब, अब की बार देखो साहब कौन सा दबदबा रहा है, इवकाला है क्या, गुटमुट चल रही है। अच्छा अच्छा, हां विचार मुफ्त नहीं होया। अच्छा अच्छा, तो जी हां प्रताप प्रत्याशी ही मैदान में है, कौन-कौन सा प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में ही अब की बार? तो चुनाव मैदान में बात मान लो ये बामू जी है, अमीन जी हैं, एक ये ओड़ा परिवार का है,
ये हैं, कुछ कुछ गुड्डा भी है मायने। तो छह गांव में वोट लगता बाटा भी। हाँ बीजेपी का वोट बढ़ेंगे अब पहला सू पहला से बड़े बड़े कल। आप भी इसी गांव के हो, चाय की दुकान पे जब भी सबसे ज्यादा चुनावी चर्चाएं चाय की दुकान पे होती, क्या सुनने को मिलता है आपके गांव में? सुनने को तो ये मिलता है साहब, जब विजेंद्र जी जो सांसद से जो चुनाव जीतने के बाद में ना माहौल बीजेपी का बना है, बीजेपी का बना है, तो बीजेपी का और भी ज्यादा माहौल बनता अगर बबलू जी खड़े होते तो, लेकिन वो भी अब साइलेंट हो गए हैं, तो इसलिए ना राजेंद्र बाम्बू जो बढ़िया लेडीज है इस बार चुनाव में टक्कर तो होगी यार। कैसा होने वाला है चुनाव में? देखो ये कांग्रेस तो थोड़ी इस बार थोड़ी डाउन है, और राजेंद्र गुड्डा और बीजेपी में टक्कर रहेगी। राजेंद्र जी गुड्डा और बीजेपी में टक्कर रहेगी, फिर कांग्रेस? कांग्रेस तो देखो साहब हमारे हिसाब से देखते हुए विजेंद्र ना होने की वजह से ना बीजेपी को फायदा मिला है। बीजेपी को फायदा मिला है। कौन से गांव के रहने वाले हो? इसी के यहाँ अपन इस्लामपुर। हाँ। क्या नाम है? रविंद्र कुमार। और भी काफी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी मैं हूँ इस्लामपुर में, अभी कुछ देर पहले राजेंद्र जी गुड्डा हैं, वो अपने समर्थकों से मिलके गए हैं, जानने की कोशिश करेंगे आखिर झुंझुनू उपचुनाव में क्या होने वाला है। बीजेपी ने यहाँ से प्रत्याशी हैं राजेंद्र जी बाम्बू, जिन्होंने आज अपना नामांकन है वो भर दिया है, और कांग्रेस के उम्मीदवार अमित जी ओला ने भी आज अपना नामांकन भर दिया है, और राजेंद्र जी गुड्डा ने भी निर्दलीय है अपने ताल ठोक दी है। झुंझुनू उपचुनाव में बात करें क्या होने वाली है, और अभी मैं हूँ इस्लामपुर ग्राम पंचायत के एक चौक है, जहाँ पे कुछ देर पहले राजेंद्र जी की सभा हुई थी, छोटी सी एक मीटिंग हुई थी। नमस्कार जी, कौन से गांव के रहने वाले? इस्लामपुर। इस्लामपुर के? हाँ जी। कितने यहाँ पे मतदाता हैं और कौन सी पार्टी का यहाँ दबदबा रहता है? गुड़ा वाले का। इससे पहले किसका रहता था? कांग्रेस का। कांग्रेस का, क्या वजह हुई? कांग्रेस से सुनाई नहीं करती है। सुनाई नहीं करती है। हाँ जी। तो जैसे बात करें आपकी जो समुदाय है उसे टिकट की भी मांग की जा रही थी, लेकिन टिकट मांग करी थी हम तो टिकट नहीं मिलने से नाखुश हो गया आप लोग? नहीं, हम तो यही भी पहले से दे, पर कांग्रेस हमको मानती नहीं है, और सत्तर साल जो दे रहे, सत्तर साल जो दे रहे थे। तो अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं यहाँ झुंझुनू विधानसभा में, तो इतने दिन में इतनी पहचान बना ली क्या जो काफी लोग उनके पीछे? 6 महीने से आ रहे हैं गुड्डा जी तो। 6 महीने से? क्या कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो गुड्डा जी को आपको गुड्डा जी की तरफ कर रही है? बहुत अच्छी खूबी है कि जहाँ भी पूछते हैं वही तैयार है। अच्छा, जब भी याद करते हो आपके पास आ जाते हैं? बिल्कुल। क्या लगता है गुड्डा जी का आपकी बात झुंझुनू उपचुनाव में सीट निकाल सकते हैं क्या? ये इंशाल्लाह दावे से निकालेंगे। दावे से? हाँ। कैसे कह सकते हो कि भाई दावे से निकाल देंगे? भाई हमने संगठन करा जब आसपास के जैसे गांव की बात करें वहाँ क्या माहौल है? अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। और जैसे बात करें टक्कर किससे होने वाली है? बीजेपी से। बीजेपी से? कांग्रेस कौन से नंबर पे? हमने तो तीसरे नंबर पे मान रखी। तीसरे नंबर पे? यहाँ से भी जो स्थानीय उम्मीदवार हैं आपके सरपंच जी हैं वो भी चुनावी मैदान में है। चामनी जब? चामनी जब। नेता जी पूछ लो सारी बात। नमस्कार जी, ये बताओ कि इस ग्राम पंचायत में कुल कितने मतदाता हैं और किस पार्टी का यहाँ दबदबा रहने वाला? मेरी बात सुनो आप, देखो कुल मतदाता तो यहाँ पे 8,000 के करीब है, जिसमें लगभग 3500 करीब मोमडन है। अच्छा। लगभग मैं मेरे मानने से कहता हूँ यहाँ पे लगभग 2,500 वोट पोल गुड्डा जी के संपर्क में जाएंगे। अच्छा। और गुड्डा जी के जाएंगे। जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे सब। अभी मोमडनों का संपर्क ऐसा बढ़ रहा है कि हर गांव के जितने भी गांव हमारे जो संपर्क के हैं, मैं मोमडनों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो सब लोग यही बोल रहे हैं कि हम गुड्डा को वोट देंगे। हमारे रिश्तेदार भी हैं, और भी है, सुल्ताना है, झुंझुनू है, जयपाड़ी है, बगड़ में भी है, इस्लामपुर भी है, चनाना भी है, ऐसे कई गांव हैं मोमडनों के जिनमें सब में गुड्डा जी की जय बोलते हैं सब। कांग्रेस की तरफ भी रहेंगे कुछ वोट? हाँ, कोई खास उनका जो पिट्ठू है वो जाएगा उनके पास में, वो बाकी नहीं जाने वाले। बीजेपी की तरफ? बीजेपी की तरफ भी उनके जो लोग जो संपर्क तो सभी के होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे लगे हुए हैं ये, जब भी कोई भी पोजिशन के ऊपर जैसे किसी भी इंसान के अंदर अगर कोई कोई बात हो जाए, कोई अनहानी हो जाए, जो भी कोई काम हो जाए, तो
तो इनको फोन मारो तुरंत हाजिर रहते हैं। अभी कुछ देर पहले गुड्डा जी आपसे मिलके गए हैं, हाँ। क्या कहते गए हैं, क्या? बस वो आए थे अपने आदमी के पास में बात करके गए बैठ के। भावना से नहीं देखते, कभी भी आ जाते, छोटों को तरीके से देखते, बड़े को बड़े की तरह से देखते है। ये नहीं देखते, ये अर्जेंट है, ये मेरे नजदीक, ये इनको कोई नहीं देखते। इनको चाहिए बीजेपी वालों, कांग्रेस वालों को अर्जेंट चाहिए, इनको अर्जेंट ले जाना पड़ता है। जैसे मेरे घर में काम है, मुझे अर्जेंट ले जाना पड़ता है, अर्जेंट की इनको कोई जरूरत नहीं है। खास को भी ये है गुड़ा जी में, सबके लिए खास है, सबके लिए, छत्तीसी कौम के लिए, छत्तीसी कौम के लिए। यहाँ गाँव में बीजेपी के भी वोट होंगे, कितने वोट बराबर के कारोबार है। देखो आज तक भी जो ऑल ओवर से देखो मेरी बात सुनो, आज तक जो भी विधायक के जो चुनाव हुए यहाँ से विजेंद्र जी लीड करते थे 700-800 वोटों से। अच्छा। तो ये सही बात है, और मेरा मानना है कि यहाँ जितनी बार भी हम उनके पास भी गए हैं, टिकट को लेके भी गए हैं, कोई काम के लेके भी गए हैं, नाराजगी है कि वो सुनाई नहीं करते। तो पिछली बार कौन सी पार्टी के साथ थे आप? कांग्रेस की। टिकट किस वजह से नहीं मिल पाई, क्या? टिकट तो मोमडनों को कोई देता ही नहीं है, क्योंकि हमें टिकट तो मिलने वाला कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें टिकट कहाँ से मिलेगी? टिकट के दावेदार तो वो खुद ही बैठे हैं ना, वो तो परंपरा चल रही है, उनके दादा पोता बेटा सभी लगे हुए हैं, तो उन्हीं को मिलते हैं। किसी को मिलती है? दोनों डिस्ट्रिक्ट दोनों विधानसभा से किसको मिलती है? आसपास में कौन कौन? कोई कौम को नहीं मिलती। आसपास में कौन कौन से गाँव है, उनमें क्या माहौल है? आसपास में माखर में भी ठीक है, जय पहाड़ी में भी ठीक है, काली पहाड़ी भी अच्छी है, सुल्ताना अच्छा है, दोरासर का भी आज सुना, वहाँ भी मतलब दावे से वो ये कह रहे हैं कि 600 वोट देंगे हम। इकतारपुर में भी खूब अच्छा माहौल है। आसपास के गांवों से बातचीत होती रहती है आपकी? होती रहती है सबसे, सभी की जबान और क्या, ये तो सभी की जबान पे छा गए हैं अब। गुड्डा 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 नस नस में छा गए हैं गुड्डा जी, नस नस में छा गए सर जी। ऐसा क्या उनमें देखने को मिला कि देखने को ये मिल रहा है? जब भी कोई काम हमारा होता है तुरंत फोन के साथ आ जाते हैं, एक फोन पे आ जाते हैं। ये नहीं देखते हैं ये कौन है कौन नहीं है, उनको ये बोल दिया आपको ये सर जी आपको आना है तो 10-15 मिनट में हाजिर हो जाते हैं। 15 मिनट में आ जाते हैं दादाजी? 15 मिनट में आ जाते, घंटे में आ जाते हैं, आ जाते हैं, धोखा नहीं करते। आप उनके साथ खुश हो? खुश है, हम तो खुश है। 70 साल कांग्रेस दिया हमको, जो मतलब मच्छर खाते डुगू खाते बुखार आते थे, सुनाई नहीं करते, कोई सुनाई नहीं आने करते, और मैंने कोई नहीं करते कांग्रेस का। हम 70 साल वोट दिए और पूछ के पीछे दिए बंदे रहते हैं कोर जी। तो 70,000 के लगभग आपकी यहाँ होंगे? 70,000 करीब है लगभग, उसमें 50,000 वोट पोल होते हैं। देखो सीधी सी बात है, तो उसमें जैसे गाँव सभी आ जाते हैं, शहर पे ज्यादा दबदबा रहता है, जैसे शहर पूरा पुकारा कि गुड्डा जी गुड्डा जी गुड्डा जी, पूरा शहर दोनों गली गली में जाए ना, चक्कू वाले के पास जाए, बड़े वाले पास जाए, पकौड़े वाले पास जाए, वो भी कहे गुड्डो और देंगे गुड्डो को, भाई चक्कू वाले कपड़े वाले बर्तन वाले कहते गुड्डा 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 गुड्डा। हाँ जी, कहीं ये रोड़ा तो नहीं है कि भाई वोट नहीं है? धोखा नहीं होगा इंशाल्लाह। रात को पुकारो तो हाजिर गुड़ा जी। इस गांव के और भी लोग आपका वीडियो देखेंगे, आपने पूरे गांव की जिम्मेदारी ली है कि यहां से 2,500 वोट है वो राजेंद्र जी गुड्डा के पक्ष में जाएंगे, क्या आपके गांव के लोग भी देखेंगे? क्या सत्य कह रहे हो आप? सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। मैं अकेला नहीं, इसमें कई कौम है, 20 किलो खड़े, इसमें बहुत कौम है। अभी बार आपने देखा भी होगा कितने आदमी थे, सभी कौम थी उसमें, गुड्डा जी के संपर्क में सब। दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम हो रहा है, तेली है, नाई है, मेघवाल भी थे, मेघवाल थे, हाथ मिला के गए मेघवाल। नमस्कार जी, ये कह रहे हैं कि आपके गांव में 2,500 के लगभग वोट गुड्डा जी के पक्ष में जाएंगे। मैंने ये पूछा कि भाई आपके गांव के लोग भी ये वीडियो देखेंगे, क्या ये सत्य बात है? सत्य एकदम। क्या वजह है एकदम से गुड्डा जी 5 महीने पहले यहाँ पे आए थे? काम किया अगले 5 महीने। कौन कौन सा ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से? जो भी काम सामने आयो ना बिना छोटे को, जो भी काम सामने आयो ना बिना छोटे को नहीं खड़े रही एकदम। वो आस्था हुआ था जहांगीर वाला, उन के लिए आधी रात को भी आगे खड़े हुए थे हमारे लिए। लकड़ी के हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, एक चीज चोरी है, साल के अंदर फंस गया, कड़े भी पुलिस में फंस गया, जायज बात क्या है आपका? आपकी सुनाई जरूर करेंगे अब, वो तो सुनाई करेगा, जो हमारा तो विश्वास है। कई जी के मकान टूटने वाले थे, इन्होंने कोई भी नहीं, किसी फोन कर लिया, मंत्री जी को भी कर लिया, विजेंद्र जी को भी कर लिया, कोई नहीं आगे चला। इन्होंने जाके वहाँ पे
उनसे प्रशासन से भी इनकी वो ये है क्या, तुमने भी आपने भी देखा होगा वो वीडियो, तो देख लो कहाँ कहाँ जाते हैं। जब से यहाँ पे गुड्डा जी की एंट्री हुई है, चुनाव है, रोचक होता हुआ नजर आ रहा है।